बच्चों कैसे हो? दूसरे पार्ट में पार्ट एक जो चैप्टर वन था डेटा स्ट्रक्चर उसका आज हम दूसरा पार्ट जो है वो दूसरा और लास्ट पार्ट जो है वो इसका हम लोग पढ़ेंगे। कुछ दो चार टॉपिक्स बच गए हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लाइक हमारा जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम था डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट टू पढ़ रहे हैं, पार्ट सेकंड वीडियो। हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर हमने पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर को कितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा जा सकता है, भागों में बांटा जा सकता है। अब हम लोग डेटा की डेटा स्ट्रक्चर की ऑपरेशंस के बारे में ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेशंस वी कैन ऑपरेट ऑन द डेटा स्ट्रक्चर, कि हम कितने ऑपरेशन इस डेटा स्ट्रक्चर पर कर सकते हैं या कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं वो है इंसर्शन। इंसर्शन को हिंदी में हम लोग प्रविष्टि भी बोलते हैं। प्रविष्टि का मतलब हो गया प्रवेश करना या इंसर्ट करना। सेकंड ऑपरेशन हम लोग डिलीशन का कर सकते हैं। हटाना डिलीशन को हम लोग हटाना भी बोलते हैं। हम लोग डेटा हटा भी सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में से। थर्ड नंबर आता है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब होता है खोजना। इंसर्शन प्रविष्ट कराना, डिलीशन हटाना, सर्चिंग खोजना, उसके बाद में आता है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सिंग को आप प्रोसेसिंग के लिए भी दे सकते हैं और हिंदी में यदि आप ऐसे भी लिखा जा सकता है। पांचवा पार्ट आता है मर्जी। मर्जिंग का मतलब होता है हम दो डेटा स्ट्रक्चर को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, दो को आपस में मिला करके एक नया डेटा स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला इंसर्शन, दूसरा डिलीशन, तीसरा सर्चिंग, तो थर्ड ट्रैवर्सिंग, मर्जिंग और छठे के अंतर्गत आता है और छठा आता है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब हो गया डेटा को व्यवस्थित करना, सॉर्टिंग। ध्यान से देखिए बेटा मेरी बात को आप। डेटा स्ट्रक्चर पर हम ये छह ऑपरेशंस कर सकते हैं। छह ऑपरेशन का मतलब इन डेटा स्ट्रक्चर के साथ हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब नया डेटा जोड़ सकते हैं जब आवश्यकता हो, जितना आवश्यकता हो उतना। डिलीशन, जो डेटा हमारे काम का नहीं है उस डेटा को यदि डेटा स्ट्रक्चर में से हटाना है तो वो हटा भी सकते हैं। इस प्रक्रिया को, इस ऑपरेशन को डिलीशन कहा जाता है। तीसरा ऑपरेशन आता है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब होता है खोजना। हम डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को यदि खोजना चाहें तो हम खोज भी सकते हैं कि हमारा कौन सा डेटा कहाँ पड़ा है। दैट इज सर्चिंग, खोज करना। लाइक आप अपने मोबाइल में आप खोज करते हैं किसी के कॉन्टेक्ट नंबर की या कोई फोटो की, कोई वीडियो की, कोई
गाने की, कोई फिल्म की, मूवी की हम लोग खोज करते हैं, तो दैट इज सर्चिंग, डेटा को खोजना। उसके बाद आता है ट्रवर्सिंग। ट्रवर्सिंग का मतलब होता है कि जब हमने जो डेटा हमने स्टोर किया है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, उस डेटा को हम लोग किसी भी प्रकार के से प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब होता है वो डेटा हम अलग अलग रूप में काम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग एडिशन, हम लोग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या वेरियस काइंड ऑफ एक्शन वी कैन परफॉर्म ऑन द डेटा स्ट्रक्चर और ऑन द डेटा ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के डेटा पर हम लोग कोई भी प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, उसको हम लोग ट्रवर्सिंग कहते हैं। उसके बाद में मर्जिंग। मर्जिंग के अंदर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि दो डेटा स्ट्रक्चर है, उन दो डेटा स्ट्रक्चर को आपस में मर्ज करना। मर्ज करना मतलब मिलाना होता है, मर्ज करना मतलब एडिशन यानी कि जोड़ना नहीं होता, मर्ज करना मतलब मिलाना होता है, एक साथ करना होता है। लाइक जैसे छोटा सा उदाहरण बता दूं मैं आपको, मारुति और सुजुकी दो अलग अलग कंपनियां आप लोग रोज देखते हैं। मारुति बेसिकली इंडियन कंपनी है और सुजुकी जापानी कंपनी है, तो इन दोनों कंपनियों को मर्ज करके और मारुति सुजुकी एक कंपनी बनाई कि वहां की टेक्नोलॉजी और यहाँ की यहाँ का जगह, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको मिला करके और मारुति सुजुकी को मर्ज करके कंपनी बनाई। ठीक उसी प्रकार मर्जिंग का मतलब दो समान प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर को आपस में मिला करके एक नया डेटा स्ट्रक्चर बना लेना, दैट इज मर्जिंग, मर्ज कहलाता है। और लास्ट में आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब हो गया अपने डेटा को एक निश्चित और निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना, निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना इज कॉल्ड सॉर्टिंग। निश्चित क्रम में कैसे, यदि हमारा डेटा है वो डेटा को हमने छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में, यदि वो संख्यात्मक है तो, और यदि वो संख्यात्मक नहीं है वो कैरेक्टर्स हैं, अक्षर हैं, तो उनको ए से जेड क्रम में सेंडिंग या जेड से ए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसको अरेंज करना जो है वो सॉर्टिंग कहलाता है। लाइक आपके मोबाइल में जितने भी आपने नंबर सेव कर रखे हैं अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, वो सब अल्फाबेटिकल क्रम में आते हैं, ए टू जेड क्रम में आते हैं, that is sorted, get it? That is sorted data. आप उसको use कर रहे हैं, sorted data को आप use कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये छह operations हम लोग data structure पर perform कर सकते हैं। अगले part के अंदर, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे algorithm। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है कि इसकी जो डेफिनेट परिभाषा है वो इंग्लिश में मैं बोल के सुना रहा हूं, बाद में इसको हिंदी में बताता हूं आपको मैं। तो इसकी ये परिभाषा है कि एन एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट, एक तो होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलते हैं अनंत को, लेकिन एक होता है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है इसकी एक निश्चित सीमा होती है। एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सेट of instructions or logics. I repeat, the algorithm is a finite set of instructions or logic written in order to accomplish a certain performed task. कि एक निश्चित या certain किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो निश्चित दायरे में यानी कि finite set में जो instructions दिए जाते हैं, that is called algorithm. ये इंग्लिश में परिभाषा है, इसको हिंदी में बता दूं कि different different प्रकार के variables और constant का एक set जो किसी निश्चित task को perform करने के लिए, पूरा करने के लिए लिखा गया है, वो algorithm कहलाता है। जैसे कि आप लोग different different ये जितने भी हमारे electronic उपकरण बने हुए हैं, जितने भी electronic ये उपकरण बने हैं, लाइक आपका मोबाइल, लाइक आपका कंप्यूटर, लाइक आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लाइक आपका एसी या व्हाटसोएवर,
टीवी, ये सब उपकरण जो बने हैं वो एल्गोरिथम की बेस पर इनके सर्किट बने हैं। एल्गोरिथम पहले बने हैं फिर इनके सर्किट बने हैं। तो जो एल्गोरिथम जितना अच्छा होगा वो अच्छा तभी माना जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा कम टाइम और कम स्पेस लेता है। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में जो डिवाइस जो है वो कम टाइम और कम स्पेस लेता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छा एल्गोरिथम यूज किया गया है। एल्गोरिथम सारे अच्छे होते हैं मगर जो कम टाइम में और जो कम स्पेस में जो किसी भी टास्क को परफॉर्म कर दे, दैट एल्गोरिथम इज अ गुड एल्गोरिथम। तो अब एल्गोरिथम को जो हम लोग इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसके गुण धर्म देखते हैं, वो दो बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड सेकेंड वन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग जगह की जटिलता कह सकते हैं। स्पेस का मतलब कोई भी जगह, हर चीज जगह घेरती है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा जगह घेरता है। यदि हम विभिन्न प्रकार के वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, ये सब अपने एल्गोरिथम में यूज करेंगे तो उनको कंप्यूटर में रखने के लिए हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। वो जगह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जगह जटिलता कहलाती है। और दूसरी आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब किसी भी एल्गोरिथम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उस एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि समय जटिलता कहलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जगह जटिलता का मतलब कि जब हम इसके अंदर विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स यूज करते हैं वो वेरिएबल्स जो है वो जगह घेरेंगे। यदि हम कॉन्स्टेंट बना रहे हैं, किसी को फिक्स कर रहे हैं तो वो भी जगह घेरेंगे। तो उस जगह को जो एल्गोरिथम कम जगह में यूज किया जा रहा है, कम जगह प्रयोग करता है, वो जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। वो एल्गोरिथम अच्छा एल्गोरिथम माना जाएगा। अब स्पेस जो एल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं और वो दो भाग हैं इंस्ट्रक्शन स्पेस एंड पहला आता है इंस्ट्रक्शन स्पेस और दूसरा आता है डेटा स्पेस। ये दो बातें मिल करके और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बताती है कि फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन स्पेस। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है दिए गए निर्देश, वो इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस कहते हैं उनको, कि जब किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, इस इंस्ट्रक्शंस में हम लोग विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, इन सब का हम लोग प्रयोग करते हैं। वो जो जगह घेरते हैं उस इंस्ट्रक्शंस के लिखे जाने के लिए जो जगह घेरी जाती है वो इंस्ट्रक्शंस स्पेस कहलाता है। सेकंड आता है डेटा स्पेस। जो हम लोग वेरिएबल्स ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक निश्चित डेटा उनको स्टोर करते हैं, उसके अंदर डेटा डाला जाता है। उस डेटा, वो डेटा जितनी जगह घेरता है वो डेटा स्पेस कहलाता है। इंस्ट्रक्शन स्पेस, कितने इंस्ट्रक्शंस का हमने प्रयोग किया, डेटा स्पेस की हमने कितने डेटा का उसके अंदर प्रयोग किया, ये मिल करके और स्पेस एल्गोरिथम की जो है वो स्पेस घेरता है। और सेकंड नंबर आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक अच्छा एल्गोरिथम उसे ही माना जाता है जो कम टाइम घेरता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब किसी भी एल्गोरिथम के रन होने से, स्टार्ट होने से लेकर के उसके कंप्लीट होने तक, स्टार्ट होने से लेकर के उसके, इट्स कॉल्ड रन टू कंप्लीट। किसी भी एल्गोरिथम के रन होने से लेकर के
और कंप्लीट होने तक जो टाइम होता है उस टाइम को हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या समय जटिलता कहते हैं। यानी कि किसी भी एल्गोरिथम के परफॉर्म होने में लगने वाला समय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, यानी कि बिग ओ, यानी कि बड़ा ओ जो होता है उससे हम लोग बिग ओ से हम लोग डिनोट करते हैं इसको। जब हम किसी भी एल्गोरिथम को हम लोग प्रयोग करते हैं तो उस एल्गोरिथम का हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में सबसे वर्स्ट WROST वर्स्ट टाइम हम लोग यूज करते हैं। वर्स्ट टाइम का मतलब हो गया किसी भी एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में लगने वाला सबसे अधिकतम समय, यानी कि उससे ज्यादा समय वो एल्गोरिथम ले ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। वो समय जो होता है दैट इज वर्स्ट टाइम बोलते हैं। उस टाइम को हमेशा कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में यूज किया जाता है। तो मैं फिर से बता दूं कि एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में प्रयोग किया जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये पूरा प्रोग्राम नहीं होता। एल्गोरिथम इज नॉट ए कंप्लीट प्रोग्राम, इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, केवल एक प्रोग्राम का पार्ट होता है जो कि उस प्रोग्राम का हमें सॉल्यूशन देता है, जिसको आप लोग स्यूडो कोड या फ्लो चार्ट से भी आप बनाते हैं। मैं फिर से बता दूं कि एल्गोरिथम केवल एक सॉल्यूशन होता है, इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, नॉट द कंप्लीट प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम नहीं होता, जिसको आप लोग स्यूडो कोड या फ्लो चार्ट से भी, इनके द्वारा फ्लो चार्ट्स भी बनाए जा सकते हैं, स्यूडो कोड भी आप लोग बनाते हैं प्रोग्राम के लिए जो लिखे जाते हैं। तो ये एल्गोरिथम है, दो भाग, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को दो भागों में कंप्लीट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन स्पेस निर्देशों का समूह, निर्देशों में लगने वाला जगह, और डेटा स्पेस उन निर्देशों में यूज किए गए वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का जो डेटा होता है वो डेटा स्पेस कहलाता है। उसके बाद आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको भी गो से डिनोट किया जाता है, इसका बेस्ट टाइम हमेशा यूज किया जाता है, मैक्सिमम टाइम जो किसी भी एल्गोरिथम को परफॉर्म में लगता है वो वर्स्ट टाइम कहलाता है, सबसे कम टाइम और सबसे कम स्पेस घेरने वाला जो एल्गोरिथम होता है उसको सबसे अच्छा एल्गोरिथम माना जाता है। तो बच्चों, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप अपनी बुक से इसको एक बार स्टडी कर सकते हैं। यदि भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगे तो सर से या मेरे से फ़ोन के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये वीडियो जो है वो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर जो है वो आप नोट्स के रूप में इनको तैयार करके याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो वो हम लोग पढ़ेंगे एरे का, इसी क्रम में मैं लगातार आपको पूरी आपकी तैयारी एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने की प्रेरणा मिलती रहे, आप बीच बीच में पढ़ते रहें, नोट्स आपके पास पड़े हैं आप उनको छोड़े नहीं। थैंक यू। Till then.